हाइपोक्सिया यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी, ये कोविड पेशेंट्स में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। इसीलिए कोविड पेशेंट्स के लिए स्पेशली सही तरीके से सांस लेना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखा गया है जो पेशेंट्स सही तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं उनमें हाइपोक्सिया की कंडीशन कम अराइज होती है और जो हॉस्पिटल या आईसीयू में जाने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। आज मेरे YouTube चैनल फूड जासूस पर 11 ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल को डाउन नहीं होने देगा और आपका लंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करेगा। मेरे चैनल पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो जो 11 ब्रीदिंग टेक्निक से चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। पहला टेक्निक है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। इस एक्सरसाइज में आपको नाक से इनहेल करना है, आपको अपने लिप्स को पाउटिंग शेप यानी कि जैसे विसल बजाते हैं उस शेप में रखना है और ग्रेजुअली सांस छोड़ना है, यानी कि आपको एक गहरी सांस नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दम फूल रहा है तो प्लीज इस एक्सरसाइज को जरूर कीजिए। ये एक्सरसाइज करने से आपकी लंग कैपेसिटी बेटर होगी। आप इस एक्सरसाइज को 3 सेट में 3 अलग अलग टाइम पे कर सकते हैं और 1 सेट में जो आपका ब्रीदिंग होगा वो कम से कम 5 बार होगा। सेकेंड एक्सरसाइज है ब्रेथ होल्डिंग टेक्निक, यानी कि आपको लंबी गहरी सांस नाक से लेना है। 5 सेकेंड्स तक आप उसे होल्ड करने की कोशिश कीजिए और आपको बहुत ग्रेजुअल तरीके से सांस बाहर छोड़ना है। आप इस एक्सरसाइज को 2 बार दिन भर में कर सकते हैं 5 राउंड्स ब्रेथिंग के साथ। ये एक्सरसाइज आपके एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करेगा और आपका जो डायफ्राम होता है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे आपका जो लंग फंक्शन है वो भी इम्प्रूव हो सके। तीसरा ब्रीदिंग टेक्निक है कफ हार्ड, यानी कि आपको बहुत तेज खांसी करनी है, जो आपके निचले पार्ट का लंग्स है वो भी खुल जाता है और आप बेटर तरीके से सांस ले सकते हैं। जो चौथा ब्रीदिंग टेक्निक है वो है प्रोन ब्रीदिंग। इस एक्सरसाइज के लिए आपको 2 पिलो की जरूरत होगी। एक तकिए को आप अपने चेस्ट के नीचे रखेंगे और दूसरे तकिए को अपने शिन बोन के नीचे रखेंगे, यानी कि जहाँ पे आपका फुट है उससे थोड़ा ऊपर, ताकि आपका पैर थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहे। कुछ इस तरह से आपको करना है। आराम से पेट के बल फिर लेट जाएं और गहरी गहरी सांसें भरें और धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा करने से जो हमारे बैक साइड का लंग पार्ट होता है वो ज्यादा इस्तेमाल हो पाता है, इस वजह से ऑक्सीजन लेवल भी आपके ब्लड में बढ़ जाता है। इस एक्सरसाइज को करते टाइम एक चीज का ध्यान रखें, खाने के तुरंत बाद आपको ये एक्सरसाइज अवॉइड करना है। प्रोन ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आप दिन भर में 3 से 4 बार कर सकते हैं। जो 5th ब्रीदिंग टेक्निक है वो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी कि जब आप सांस भरे तो आपको ये फील होना चाहिए कि आपका पेट जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपको ये फील करना है कि आपका पेट अंदर की तरफ हो रहा है। आप ऐसा फील करने के लिए अपने हाथ को अपने पेट के ऊपर भी रख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा वीकनेस नहीं लग रही है तो आप इसको बैठ के कर सकते हैं, अन्यथा आप इस एक्सरसाइज को लेट के भी कर सकते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने की वजह से आपका बीपी और पल्स रेट स्टेबलाइज होता है और साथ ही साथ आपके ऑक्सीजन लेवल को भी ऊपर करने में हेल्प करता है। 6th ब्रीदिंग टेक्निक है बलून एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरह से करें, पहले आप नाक से गहरी सांस भरेंगे और फिर आप एक बलून को फुलाएंगे और आप अपनी जितनी भी सांस है उस बलून को भरने में इस्तेमाल करेंगे। फिर आप सांस नाक से भरेंगे और मुंह से आप फिर से एक बलून फुलाएंगे। ये एक्सरसाइज करने से आपका जो लंग है वो स्ट्रांग होता है। जो ओल्ड एज पीपल है उनको ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप ये एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आपके पास स्पायरोमीटर है तो वो बेस्ट है, आप बलून की जगह स्पायरोमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन भर में आप इस एक्सरसाइज को 2 से 3 बार कर सकते हैं। जो मेरा 7th ब्रीदिंग टेक्निक है वो है भस्त्रिका। इसे करने के लिए आपको पहले अपने दोनों हाथों को एक हल्का सा मुट्ठी बांधना है और अपने शोल्डर लेवल तक ले जाना है कुछ इस तरह से। उसके बाद जब आप सांस भरेंगे तो आपके दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच होंगे और जब आपको सांस फिर बहुत ही तेजी से बाहर की तरफ छोड़ना है और अपने हाथ को शोल्डर लेवल तक दोबारा लेकर के आना है। एक बार में एटलीस्ट आप 3 सेट्स कर सकते हैं 10 से 20 सांसों का, लेकिन यहाँ पे अभी आपको ज्यादा फोर्स नहीं करना है अपने आप को। आप अगर 5 टाइम्स ही कर पा रहे हैं तो आप उतना ही कीजिए। किन्हीं को हार्ट प्रॉब्लम है, हाई बीपी है या फिर बहुत ही ज्यादा ओल्ड एज में है तो उनको ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका को एक और तरीके से किया जा सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हैं एट द सेम टाइम आप एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं तो आप हाथों का इस्तेमाल ना कीजिए। हाथों को आप
अपने थाइस पे रिलैक्स करा दीजिए और फिर सेम तरीके से एक्सरसाइज कीजिए, यानी कि धीरे धीरे नाक से अपने सांस को अंदर भरना है और एक बार में फोर्स से अपने सांस बाहर निकालना है। जो एट्थ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो है कपालभाति। जी हाँ, कपालभाति एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। ये आपके लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, लंग्स को स्ट्रेंथ देगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाने में पूरी तरह से सहायक है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप ओल्ड एज में हैं, हाई बीपी है या फिर हार्ट रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा वीकनेस भी फील हो रहा है तो भी आप इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। जो नाइन्थ ब्रीदिंग टेक्निक है वो है नाड़ी शोधना प्राणायाम। नाड़ी शोधना प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले आप आराम से बैठ जाइए। आपका लेफ्ट हैंड जो है वो शिन मुद्रा में होगा और राइट हैंड को आपको विष्णु मुद्रा में रखना है, कुछ इस तरह से। राइट हैंड को आप अपने नाक के पास लेकर के आएंगे। सबसे पहले आप अपने राइट थंब से अपने राइट नॉस्ट्रल्स को बंद करेंगे और लेफ्ट से गहरी सांस लेंगे। आप अपने रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल्स को क्लोज करेंगे और राइट से सांस बाहर छोड़ेंगे अपने अंगूठे को हटाते हुए। फिर आप राइट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे और फिर लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये जो प्रोसेस है ये एक सेट है, आप ऐसे करके 9 सेट्स तक कर सकते हैं। दिन भर में आप 1 से 2 बार जरूर इसको ट्राई करें। नाड़ी शोधना प्राणायाम आपको अंदर से प्योर करता है, आपके इम्यून रिस्पॉन्स को भी सही करता है, आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इस प्राणायाम को कोई भी कर सकते हैं। 10th ब्रीदिंग टेक्निक है साइड ब्रीदिंग, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हैं, आपसे उठ के बैठा नहीं जा रहा या फिर आपसे गहरी सांसें नहीं भरी जा रही, तो आप सिंपली लेटे रहें साइड वाइज। एक बार राइट साइड की तरफ लेटे, 5 गहरी सांसें भरें और छोड़े, फिर लेफ्ट तरफ सोए और 5 गहरी सांसें भरे और छोड़े। इस तरह से करने से भी आपका लंग कैपेसिटी बढ़ती है और साथ ही साथ आपका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। 11th ब्रीदिंग टेक्निक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाफ एंड गिगल। जी हाँ, आप जितना हो सके उतना हंसिए, दिल खोल के हंसिए और उतना ही खिलखिलाइए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, क्योंकि जितना आप हंसेंगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और उतना ही जल्दी आप रिकवर भी कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स थी, इनमें से जो आपको बेस्ट लगता है आप वो वाला टेक्निक दिन भर में 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट टेक्निक होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं foodjasus.mera.link पर। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ कोविड इन्फेक्टेड लोग हैं उनके लिए ही ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जिनको कोविड नहीं भी हुआ है वो भी ये ब्रीदिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करें। इनसे उनकी भी लंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी, इम्यूनिटी बेटर होगी, डाइजेशन भी अच्छा होगा। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की माने तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हर किसी के लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए। जाते जाते मैं एक और सलाह दूंगी कि आप एक बार में बहुत ज्यादा ना खाएं, थोड़ा सा खाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप एक बार में बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो आपका डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ जब आप सांस लेते हैं तो वो नहीं जा पाता है, जिस वजह से जो आपकी लंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इस वजह से आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील खाएं। अगर आपको एक दिन का डाइट प्लान के बारे में जानना है कि कोविड पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, तो यहाँ दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। सो कीप ब्रीदिंग करेक्टली, टेक प्रॉपर रेस्ट, हाइड्रेट योरसेल्फ, हैव अ गुड डाइट एंड ऑल्सो एक्सरसाइज। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अभी कोरोना का टाइम है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है बाहर निकलना, तो आप घर पे रहें, मास्क पहने, अपने हाथ को बार बार धोते रहें और बी सेफ।